जोधपुर में निकल चुके हैं, रात को आए थे, बिल्कुल शांत था। अभी सुबह यहाँ पर भीड़ भाड़ शोर गुल सब दिख रहा है। एक शहर में जैसा होना चाहिए वैसा कुछ यहाँ पे फीलिंग आ रहा है। जोधपुर में रेलवे स्टेशन भी है और एयरपोर्ट भी है, तो यहाँ पहुँचना काफी आसान हो जाता है। जोधपुर घूमने के लिए मैंने स्कूटी हायर कर ली है। स्कूटी मैंने यहाँ पे एक शॉप था मेरे होटल के सामने, वहीं से कर ली है। और यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह भी लिखा हुआ है, आप पढ़ के कॉल कर सकते हो। और यहाँ पर जो प्राइस है स्कूटी की, 300 रुपये पर डे लगता है। इसके लिए आपको आधार कार्ड और DL आपके पास होना कंपलसरी है, और साथ ही साथ हेलमेट दोनों पर्सन को लगाना पड़ता है। यहाँ पर सिक्योरिटी डिपॉजिट भी लिए हुए हैं, मतलब 400 रुपये एक्स्ट्रा लिए हुए हैं, तो वो भी चीज़ है वो जो कि रिफंडेबल होता है। तो स्कूटी तो ठीक ठाक कंडीशन में मिल रही है, और घूमने के लिए आई थिंक ये इफ़ेक्टिव भी रहेगा हम लोगों के लिए। अदरवाइज़ फैमिली वगैरह है तो ऑटो वगैरह से भी घूम सकती है, वो भी ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ की जो प्लेसेस है वो आसपास में ही है, बहुत ज़्यादा दूर दूर कुछ ही प्लेसेस हैं। वैसे आप यहाँ पर ऑटो से लोकल साइट सीन के लिए 700 से 800 रुपये देकर यहाँ की मेन प्लेसेस कवर कर सकते हैं। ब्लू ब्लू सा हेलमेट पहनकर ब्लू सिटी में मैं जा रहा हूँ अब मेहरानगढ़ फोर्ट के लिए, और इसके रास्ते बहुत खूबसूरत हैं, ये आप देखो। और पूरा सामने वो फोर्ट दिख रहा है, वो ब्लू सिटी जो है ना वो भी नीचे दिख रही है, इसके ठीक नीचे ही पूरा है। पहुँचते हैं मेहरानगढ़ फोर्ट की तरफ। पूरे पहाड़ी ये रास्ते हैं और पहाड़ को काट कर बनाया गया है, बड़ा प्यारा लग रहा है। मेहरानगढ़ फोर्ट मेन सिटी से 4 किलोमीटर की ही दूरी पर पड़ता है। मेहरानगढ़ फोर्ट के अंदर आ चुका हूँ मैं, और यहाँ पर ये ऊंची ऊंची दीवारें आपको दूर से ही दिखी जाती हैं, और अब इसके बेहद करीब आ गया हूँ मैं। मुद्दे की बात करते हैं यहाँ पर, यहाँ के एंट्री टिकट की, 200 रुपये की यहाँ पर एंट्री टिकट है, और ऊपर जाने के लिए आपको लिफ्ट का सहारा लेना पड़ेगा। तो उधर ही बढ़ रहे हैं, पर जगह तो शानदार दिख रही है, बस थोड़ा सा कॉस्टली लग रहा है, मतलब 200 की एंट्री टिकट ज़्यादा तो लगती ही है। लिफ्ट के लिए आपको अलग से 50 रुपये देने पड़ते हैं, और आपको लिफ्ट करनी भी चाहिए क्योंकि पैदल यहाँ पर काफ़ी चढ़ाई है। आ गए हैं बिल्कुल टॉप पर यहाँ पर, और पहुँचता हूँ मैं उस जगह पर जहाँ से दिखेगा जोधपुर का व्यू। तो भाई देख लो आप, पूरा जोधपुर आपके सामने है, वो नीली नीली इमारतें आपको दिखेंगी। आप जोधपुर को वो जैसलमेर की तरह नहीं कह सकते हो कि पूरी गोल्डन सिटी, यहाँ पर सारी इमारतें आपको ब्लू नहीं दिखेंगी, कुछ एक मतलब कुछ कुछ ही इमारतें और जो कि यहीं पर मेहरानगढ़ फोर्ट के नीचे वाली बिल्डिंग से आपको ब्लू ब्लू दिखेगी, तो इस वजह से ब्लू सिटी बोलते हैं। और ये क्या व्यू है, क्या नज़ारा है, मज़ेदार जगह है, मस्त जगह है। मेहरानगढ़ फोर्ट लगभग 125 मीटर की हाइट पर है, जिसकी नींव 15वीं शताब्दी में राव जोधा ने रखी थी। हालांकि इसका निर्माण महाराजा जसवंत सिंह ने पूरा करवाया था। दरअसल जोधपुर में मंडोर का किला भी है, जो मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगा। और राव जोधा को जब लगा कि मंडोर का किला सुरक्षित नहीं है, तो उन्होंने इसकी नींव रखी थी। इस किले में देखने के लिए काफी कुछ है, इसलिए अपने पास कम से कम 1.5 से 2 घंटे जरूर रखें। जोधपुर का मिर्ची वड़ा बहुत फेमस है, वैसे तो राजस्थान में ये मिलता है पूरे, लेकिन जोधपुर का स्पेशली काफी फेमस है। ट्राई करता हूँ मैं, यहाँ पे एक शॉप से लिया है। यहाँ के मिर्ची वड़े में केवल मिर्ची नहीं होता है, इसमें आलू का भरावन भी है, वो भी है, मसाला भी है और मिर्ची भी है, और हल्का सा तीखा है, ऐसा नहीं बहुत पूरा एकदम तीखा होगा, तो ट्राई आप ज़रूर करना। जहाँ से मैंने लिया है 20 रुपये में मिल गया है, लेकिन अलग अलग जो है 10 रुपये से लेकर 20 रुपये तक का प्राइस में ये आपको मिल जाता है, और ये सुबह के नाश्ते में या चाय के साथ ये बड़ा टेस्टी लगता है। मेहरानगढ़ से केवल 1 किलोमीटर की दूरी पर ही जसवंत थड़ा नाम की भी जगह है, जिसकी एंट्री फीस 30 रुपये है। जोधपुर में अभी तक मैंने जितनी भी टूरिस्ट प्लेसेस देखी है, उनमें ज़्यादातर जो एंट्री टाइमिंग है वो सुबह 9 बजे ओपन हो जाती है और इवनिंग में 5 बजे तक ओपन होता है। फिलहाल ये है जसवंत थाना, और ये रहा एंट्री टिकट, और जसवंत थाना नाम है।
1906 ईस्वी की है ये जगह और पूरी चीज़ें लिखी है। जोधपुर मारवाड़ के राठौर नरेशों की छत्रियाँ हैं, जैसा कि जैसलमेर में है व्यास छत्री बड़ा बाग, उसी तरह ये एक तरह से शमशान भूमि है राजाओं की। और ये प्लेस बहुत खूबसूरत है, मतलब जो मेहरानगढ़ है उससे मुझे ज़्यादा ये जगह पसंद आई है। एक बार आप मेहरानगढ़ को मिस कर भी सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये जो जसवंत थड़ा है इसको नहीं मिस करना चाहिए। वैसे तो आपको सभी जगह घूमना चाहिए, पर ये मुझे पसंद आई है मेहरानगढ़ से भी ज़्यादा। और इधर वो छत्रियाँ, वो पूरी शमशान भूमि है और पीछे जोधपुर शहर, क्या बात है, बहुत प्यारा व्यू है यहाँ से। जोधपुर में कई सारे खाने पीने के रेस्टोरेंट तो मिल ही जाएंगे आपको, और फैमिली टाइप के रेस्टोरेंट में अगर आप आते हैं तो आपको एवरेज ऐसे मान लो आपके कम से कम 150 रुपये का आपको देना पड़ेगा एक थाली के लिए कॉस्ट। और यहाँ पे मैंने डोसा मंगाया है, ये 160 रुपये का डोसा है और मधुरम रेस्टोरेंट है ये, फेमस है। तो आप ऐसे में अगर फैमिली रेस्टोरेंट ढूंढ रहे हैं तो ये सब प्लेस है। और आपका एक बार का खर्चा, मतलब एक बार बैठेंगे तो दो लोग पे आपका 300 से 400 रुपए का एवरेज खर्चा आ सकता है। अब मैं निकला जोधपुर के मंडोर गार्डन के लिए। जोधपुर के मेन शहर से लगभग 8 किलोमीटर दूर है मंडोर गार्डन, और ये गार्डन कुछ ऐसा दिखता है। अभी तो शुरुआत है और यहाँ की जो एंट्री टिकट है वो मात्र 10 रुपये है। यहाँ पर लाइट एंड साउंड शो वगैरह भी होता है, तो उसके लिए भी आप 20 रुपये दे के वो भी देख सकते हैं, लेकिन वो इवनिंग के टाइम में होता है, तो आई थिंक आपको इवनिंग में आना चाहिए। मंडोर गार्डन एक पूरा किला है जहाँ महल भी है और मंदिर भी, और यहाँ पर 22 रुपये की एंट्री टिकट लेकर आप यहाँ के जनाना महल और म्यूजियम में भी जा सकते हैं। जोधपुर के मंडोर गार्डन में ये मंदिर की आकृतियाँ भी होंगी, इमारतें होंगी, मुझे नहीं मालूम था। जब मैं यहाँ आया तो ये देखा और लोगों से पूछा तो लोगों ने बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताया कि यहाँ पर रावण और मंदोदरी का विवाह हुआ था। ऐसा पुख्ता प्रमाण नहीं है लेकिन लोग कहते हैं, और यहाँ पर रावण की पूजा भी की जाती है ऐसा कहा जाता है। यहाँ पर ये जो मंदिर बनवाए गए हैं, कौन बनवाया है कोई प्रमाण तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर कुछ महलों का भी निर्माण इधर किया गया है जिसको राजा अजीत सिंह ने 17वीं शताब्दी में बनवाया हुआ है। तो ये मस्ट विजिट प्लेस है, आना चाहिए इस जगह पर। और मतलब आप विंटर के टाइम में यहाँ पर आते हैं तो बढ़िया सी हवा भी लगती है, और ये गार्डन भी काफ़ी खूबसूरत है फ़ोटो के भी पॉइंट से, आपकी पिक्चर्स सेल्फी के भी पॉइंट से, ये बहुत प्यारी सी प्लेस। आप क्यूबा की ट्रिप हो या फिर फॉरेन की कोई भी डेस्टिनेशन, घूमने फिरने में खर्च तो होते ही हैं और रेगुलर इनकम से तो रेगुलर खर्चे ही मैनेज हो पाते हैं। तो आजकल मैं अपने ट्रैवल के खर्चे उठा रहा हूँ CoinDepo से। दरअसल CoinDepo में आप अपने क्रिप्टो असेट्स को सेव कर सकते हो एक हाई इंटरेस्ट अकाउंट में, जिसमें आपको एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स मिलते हैं और इसमें आपके इन्वेस्टमेंट 100% सिक्योर्ड और इंश्योर्ड भी होते हैं। एंड आप विड्रॉ भी बहुत सिंपली कर सकते हो, और इसका यूजर इंटरफेस इतना सिंपल है कि कोई भी कर सकता है इन्वेस्ट लाइक ए प्रो। तो CoinDepo के साथ अब आप भी बनाओ अपनी ट्रिप को अनफॉरगेटेबल। जोधपुर के मंडोर गार्डन से 5 से 6 किलोमीटर दूर सुरपुरा डैम है जिसमें आप बोटिंग भी कर सकते हैं, और रिसेंटली यहां एक पार्क भी बनाया गया है जो 10 रुपए की एंट्री फीस में बड़ी सुकून भरी सी जगह है। जोधपुर में जस्ट अभी अभी अपने होटल के रूम में पहुंचे हैं। ये रूम आप देखो, छोटा सा रूम है, थोड़ी चादर वगैरह भी थोड़ी सी गंदी दिख रही है, और इधर ये टॉयलेट है, टॉयलेट वाला भी ठीक ठाक है, मतलब ये ठीक ठाक सा ही रूम है और कुछ ऐसा है। ये नई सड़क पे है और गुरु इंटरनेशनल इस होटल का नाम है, और 24 घंटे का चेक इन मिल गया है, ऑटो वाटो वाले के साथ आ गया मैं, तो टोटल 1200 रुपये ये पड़ा है इस होटल का प्राइस। अब लोकेशन ये बहुत बढ़िया है, इस लोकेशन की वजह से इसका रेट ये है, तो आप इस एरिया में ले सकते हैं। जोधपुर में शाम को घूमने का अपना ही मज़ा होता है, हर जगह से यहाँ पर सनसेट भी दिख जाता है। और यहाँ पर जो ये मार्केट है, ये नई सड़क की मार्केट है और ये सीधी जाती है घंटाघर के लिए, तो बस चल रहे हैं। होटल यहीं पे अपना पास में ही है, और यहीं पे स्कूटी भी रेंट किया था, बट सीधे थोड़ा सा चलते हैं और घंटाघर देखते हैं, क्योंकि इवनिंग में लाइट वाइट बहुत बढ़िया प्यारी सी हो जाती है यहाँ पे, और पूरी
मार्केट वाला लुक दिखता है और रोड भी बहुत अच्छी है यहाँ पर हर जगह पर। घंटाघर मार्केट में जब मैं आया तो यहाँ पर ये दुकान यहाँ पे दिखी, शाही समोसा और ये अरोड़ा चाट भंडार। भाई साहब भीड़ बहुत लगी है यहाँ पर, देखते हैं क्या स्पेशल है यहाँ का। तो भाई यहाँ पर शॉप पर हम आए हैं, दो शॉप है यहाँ पर, एक अरोड़ा चाट भंडार मुझे दिखी और एक शाही समोसा वाली। समोसा हमने ट्राई कर लिया, ठीक ठाक था, बस थोड़ा कॉस्टली लगा, मतलब 24 रुपये का एक समोसा था। अब ये पालक चाट सही है, 55 रुपीज़ का है, मैं ट्राई करता हूँ, रितेश को तो पसंद आया है। इसकी दही थोड़ी येलो येलो सी है, बिल्कुल ठंडी ठंडी सी दही है, ट्राई करना चाहिए, मतलब नई चीज़ है। हमने आलू टिक्की वगैरह भी मिल रही थी, वो ट्राई नहीं की। ये पालक चाट अलग यहाँ पे दिखा इसलिए इसको ट्राई किया। समोसा भी ठीक है, बस थोड़ा सा कॉस्टली है, पर इसको आप ट्राई करना यहाँ पे आके, ये अरोड़ा चाट भंडार में। नई सड़क की मार्केट से होते हुए आप घंटा घर पहुँचते हैं और यहाँ की मार्केट में आप सस्ती वाली शॉपिंग भी कर सकते हैं। घंटाघर में उतर गए हैं और यहाँ पर सामने ये आप देखो क्लॉक टावर है, लाइटिंग हो जाती है इवनिंग में तो बहुत ही सुंदर सा लगता है। ऊपर भी आप जा सकते हो, फोटो वोटो खिंचवाओ बढ़िया आराम से। और यहाँ पर देखो फोर्ट की पूरी दीवारें हैं, इधर पूरी मार्केट लगी हुई है, बड़ा सा चौराहा है, तो यहाँ तो आप आओगे ही, मतलब घूमते फिरते आप आ जाओगे यहाँ पर और शॉपिंग भी कर लो यहाँ पर। सस्ती सस्ती शॉपिंग यहाँ पर हो जाती है, हर तरह की मार्केट है यहाँ पर और बड़ा प्यारा लग रहा है, मज़ा आ रहा है यहाँ पर घूमने में। घंटाघर में आने के बाद आप पूरी तरह से पुराने जोधपुर में आ जाते हैं और इन्हीं गलियों में कुछ मज़ेदार प्लेसेस भी हैं। घंटाघर से केवल 200-300 मीटर आप पैदल ही चलकर पहुंच सकते हैं टूर जी का झालरा पर। ये है वो जगह, दिखाता हूँ, पहले ये दिखा देता हूँ कब बना था ये निर्माण वर्ष, 1740 का ये बना हुआ जगह है और कुछ ऐसा दिखता है। ये बेसिकली बावली, ओ वाकई में ये बहुत ही शानदार जगह है, मतलब दिल्ली में बहुत सारी बावली मैंने देखी हुई है लेकिन ऐसी इतनी डीप कहीं नहीं देखी है। वो नीचे तक जाएंगे, वो देखो नीचे मछलियाँ वगैरह दिख रही हैं, क्या शानदार जगह है। फ्री की एंट्री भी है, कोई पैसा नहीं है, यहाँ पर ऑन रोड ही है, आराम से इजली आप पहुँच भी जाते हो। किसी ने मुझसे बोला था कि भाई यहाँ पर ट्राई करना मावे की कचौड़ी, बिल्कुल मीठा मीठा रहेगा और 50 रुपए की ये चीज़ है, मीठा मीठा हो जाएगा, अगर मीठे के शौकीन है तभी ले। बट मेरे हिसाब से जो कड़ी कचौड़ी वगैरह है वो सुबह ज़्यादा चटपटा वगैरह लगेगा। ये ओके ओके, तो निकल रहे हैं जोधपुर की फेमस प्लेस उमैद पैलेस के लिए। और मेन जो सिटी है, जो नई सड़क का एरिया है, जो घंटाघर का एरिया है, वहाँ से लगभग 4-5 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है और बस पहुँचने वाले हैं। उमैद पैलेस का लास्ट का 1 किलोमीटर का रास्ता पहाड़ों का है और उमैद पैलेस की थोड़ी सी झलक आपको यहीं से मिलने लगती है। जोधपुर के उमैद पैलेस में मैं आ गया हूँ, यहाँ की एंट्री फ़ीस जो है वो 60 रुपये है और अगर आप स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट आईडी कैरी कर रहे हैं तो आपके लिए ये 30 रुपये का रहेगा। और अंदर जैसे ही आते हैं कॉम्प्लेक्स के तो ऐसा कुछ आपको नज़ारा दिखता है, सामने पैलेस है और कुछ कुछ याद दिलाता है कोलकाता के विक्टोरिया का, लेकिन यहाँ का बस कलर डिफरेंट है, वो वाइट है पूरा, लेकिन वो इतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा ये दिख रहा है। और बाकी इधर का ये गार्डन है और थोड़ा अंदर चलते हैं और देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर। उमैद पैलेस 1929 में राजा उमैद सिंह ने बनवाया था, जिसे बनने में 14 साल लगे थे और 1943 में बनकर तैयार हुआ था। महल के कुछ हिस्से को म्यूजियम का रूप दे दिया गया है जिसमें इतिहास में इस्तेमाल की हुई चीजें रखी गई हैं। अगर आपको म्यूजियम वगैरह घूमना पसंद नहीं है तो आप यहाँ पर इस जगह पे फ्री में भी आ सकते हैं। इसके अंदर का 60 रुपीज़ का टिकट है और केवल म्यूजियम वगैरह ही है, बहुत ज़्यादा कुछ अंदर देखने को मिलता नहीं है। तो आप यहाँ पे केवल अगर ये गार्डन एरिया और बिल्डिंग देखना चाहते हैं तो आप ये फ्री में ही देख सकते हैं।
जोधपुर का मक्खन वड़ा भी काफी प्रसिद्ध है और घूमने के साथ आप यहाँ के स्पेशल फूड्स को ट्राई करना ना भूलें। जोधपुर में घूमने के लिए आइटनरी किस तरह से हो सकती है वो डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर घूमने के लिए अगर आपके पास दो दिन है तो दो दिन में आप आराम से यहाँ पर घूम सकते हैं और एक दिन में भी चाहे तो यहाँ पर घूम सकते हैं। आइटनरी मैं बता देता हूँ, जैसे मैं घुमाऊँ वैसे ही आपको बताऊँगा। पहले दिन आप यहाँ पे जा सकते हैं यहाँ के मंडोर गार्डन में, और फिर उसके आगे आप जा सकते हैं सुरपुरा डैम में। फिर उसके बाद अगले दिन नेक्स्ट डे आप यहाँ की जो आसपास की लोकल प्लेस ही है सारी वहाँ पे जा सकते हैं, जैसे कि मेहरानगढ़ फोर्ट है वहाँ जा सकते हैं, उमैद पैलेस है वहाँ पे जा सकते हैं, जसवंत थड़ा जहाँ पे फ़िलहाल मैं खड़ा हूँ वहाँ पे आ सकते हैं, और इसके अलावा घंटाघर है यहाँ पर, और भी एक दो प्लेस है। जोधपुर में घूमने की बजट की बात करें तो यहाँ पर घूमना बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, क्योंकि दो ही दिन यहाँ पर आप घूम रहे हैं और यहाँ की प्लेसेस भी ठीक ठाक सी है। हाँ, एंट्री फीस यहाँ पर ज़्यादा है, बजट में बताता हूँ। होटल यहाँ पर आपको लगभग 1200 रुपये पर नाइट टू एडल्ट्स के लिए इजिली मिल जाता है, और थोड़ा बहुत ऊपर नीचे ये हो सकता है सीज़न के अकॉर्डिंग। और मील्स पर आपका जो खर्चा आएगा वो लगभग 500 रुपये प्रतिदिन का खर्चा आ सकता है, और ट्रांसपोर्टेशन पर स्कूटी से मैं कंसिडर कर रहा हूँ, स्कूटी से आपका खर्चा लगभग यहाँ पर आ सकता है अराउंड 800 रुपये का, मैं पेट्रोल वेट्रोल डलवा के बता रहा हूँ आपको। तो टोटल अब करते हैं पर पर्सन बजट बताता हूँ मैं, और इसके साथ ये मान के चल रहा हूँ मैं कि दो लोग यहाँ पर आ रहे हैं तो होटल पर आप दो दिन का अगर खर्चा देखेंगे दो लोग में बढ़ जाएगा, तो 1200 रुपये होटल का खर्चा आएगा, मील्स का आपका 1000 रुपये आएगा और ट्रांसपोर्टेशन का 800 रुपये, तो टोटल अगर आप करते हैं तो 3000 रुपये का खर्चा आएगा। यहाँ पर आपको एंट्री फीस को भी कंसीडर करना होगा, जो कि आप मान के चले कि आपका 500 रुपये का एंट्री फीस का खर्चा यहाँ पर लग जाएगा, तो लगभग 3500 रुपये में आप जोधपुर आराम से घूम सकते हैं। हाँ, अगर आप गाड़ी वगैरह करते हैं ऑटो वगैरह करते हैं तो ये बजट आप 1000 रुपये तक और बढ़ा ले अपना, बट दो लोग रहेंगे तो कम में ही हो जाएगा, तो मतलब 3000 से 4000 रुपये में आप यहाँ पे घूम सकते हैं। और घूमने के लिए जो यहाँ पर बेस्ट टाइम टू विज़िट है वो आपके लिए हो सकता है अक्टूबर से लेके आप फरवरी तक आ सकते हैं, मतलब वो विंटर वाला जो टाइम है ना वो बेस्ट होता है, गर्मी में तो यहाँ आना बहुत ही आपके लिए परेशानी भरा हो सकता है। सेफ़ प्लेस है और सिटी है तो आराम से घूम सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो जोधपुर के अलावा भी अगर आप किसी और प्लेस के बारे में वीज़ा आइटनरी या प्लान बनवाना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारी ट्रैवल कंसल्टेंसी पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जिसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट लिंक दे रखी है। सो मेक श्योर नेचर को क्लीन और ग्रीन रखें, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आज के लिए इतनी इन्फॉर्मेशन थी, थैंक यू फ्रेंड्स।